शरीर से जो आ सकती है और जो मन से आ सकती है उसमें क्या फर्क तुम जो ये सोच रहे हो वो मन ही से तो सोच रहे हो ना लेट्स सी आप किसी के गैंग्रीन हो गया किसी के शुगर की वजह से कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा डॉक्टर कह रहा है कि अंगूठा एम्प्यूटेट करना पड़ेगा या टांग ही एम्प्यूटेट करनी पड़ेगी तो रोगी क्या कहता है कर दो क्यों जान ज्यादा कीमती तो अपनी खुशी से करवा लेते चाहे तकलीफ हो रोए क्या रहे हम अपंग हो गए या एक अंग चला गया हमारा हाथ पैर कुछ भी जो भी है लेकिन प्राण रक्षा के लिए हम शरीर के किसी अंग को कटवाने में हम देखते हैं कि लोग तकलीफ नहीं महसूस कर क्योंकि जान बच रही है उसमें पर इस मन के साथ जो अटैचमेंट है आसक्ति है जिसकी वजह से सब दुख सुख राग द्वेष मोह शोक होता है उस मन के साथ तुम अपने आप को अलग कैसे करोगे शरीर में रोग आया उने का काटना पड़ा आपने का काट दो मन का क्या करोगे अब मन के द्वारा तुम तुम्हारा सारा व्यवहार तुम्हारा सोचना भावनाएं इमोशन थॉट्स इंटरेक्शन सब कुछ इसी मन से तो हो रहा है आइए मन में नहीं हो इसलिए ये बड़ा चैलेंज हो जाता है आप देखिए घरों में किसी के बहुत सेवा करते हैं हॉस्पिटल ले गए आईसीयू में चले गए बंदा वेंटिलेटर पे और फिर एक पॉइंट आता है डॉक्टर कहता है कि देखो हम कर तो रहे हैं बट अब बहत्तर घंटे रह गए अब क्या करना फैमिली क्या बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता तो ठीक है फिर फिर वो खुद ही बोलते हैं कुछ बचा ही नहीं शरीर में है तो ठीक है फिर अब हमारे पास तो पैसे नहीं है और वेंटिलेटर का तो पैसा बड़ा लगता है वो खुद ही बोल देते हमारे पास तो नहीं है तो आप इलाज ना करो फैमिली बोलने लग जाती अब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या करेंगे ब्रेन डेड हो गया कोई ब्रेन डेड हो गया अब क्या करेंगे वो कहेंगे कि आप कुछ ना करो तो खुद ही अपने उस परिवार के सदस्य को मरने के लिए छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो शरीरों से अच्छा कई बार रोगी भी कहता है कि जब कुछ हो नहीं सकता तो मुझे मरना है, मुझे मरना है यूथेंसिया मेडिकली एडिड मतलब किलिंग ऑफ द बॉडी Okay, तो मेरे को चाहिए ये मेरा प्रश्न है क्या किसी तरीके से आप अपने मन को अपने से अलग कर सकोगे अब मन से आसक्ति तोड़ना इसलिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है उसमें आप मन अजब बात यह है कि बुद्धि में आप ज्ञान ला रहे हो और बुद्धि से समझ रहे हो कि ये मन चीज क्या है ये क्या ड्रामा करता है हमने तीन चार किताबें तो इसी विषय पर दे दी ये मन है क्या पहले समझो तुझसे पातंजलि योग सूत्र का साधन पाद पूरा इसी बात पे फोकस कर रहा है मन की बीमारियाँ क्या क्या है मन है क्या कोई सिखाता बताता नहीं है आ लोग बोलते मैं झूठ नहीं बोलना चाहता पर बोलते मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा पर देते हैं फिर रोते हैं कि हमने तकलीफ दे दी पर फिर दोबारा भी तकलीफ देते हैं अपनी ही आदतों में बंद गुलाम हैं अपने ही मन के गुलाम हैं किसी का पति बुरा है किसी का बाप बुरा है किसी का फैमिली में बहुत खराब है बच्चे बड़े खराब हैं लेकिन वो फिर भी उनके साथ रह रहे होते कई बार तो मतलब मैं जब कहानी सुनती हूँ ना तो, तो, तो तुम्हारा दिमाग खराब तुम रह क्यों रहे हो वहां पर निकलो वहां से बाहर कहा भाई हम हाँ उनके बगैर कैसे रहेंगे मैंने गोटू तो हेल देन पागल हो तुम तो। तुम्हारा जीवन नरक हुआ पड़ा है लेकिन मोह इतना बड़ा होता है उस मोह के कारण वो उनसे अपने आप को अलग ही नहीं कर पाते फिर तो, तो मैं सोचती हूँ कि कितने अनोखे वो लोग हैं जो अपने मन को समझ लेते हैं और मन से मन की बीमारियों से बाहर आने का एक यत्न करते हैं और सीधे सन्यास की छलांग लगा देते हैं मतलब कि जिंदा रहते परिवार के लिए तुम मर गए अब किसी की ना याद है क्योंकि हम ज्ञान की राह पर चल पड़े अब अब क्या करें लेन देन करके कबीर जी का वचन है ना कुछ लेना न देना मगन रहना अब वो मन से निराशक्त हुए बगैर कोई सन्यासी नहीं हो सकता तो सन्यास बाहर का भी कह लू और भीतर का भी दोनों ही मुश्किल है आसान नहीं बाहर वाला शायद आसान हो अंदर वाला बहुत मुश्किल है क्यों क्योंकि मन से हम अलग हैं ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना अनुभव करना ज़्यादा कष्ट हो जाता है बहुत कष्ट हो कभी कभी तो मुंडिया हो गया मैंने मुंडित करा ली केस निकला दिए शिखा निकला दी भगवया पहन लिया संन्यास का सारा जो कर्म होता वो भी कर लिया लेकिन उनके अंदर उतना ही संसार का राग मोह गद्दी आश्रम पैसा मंडल राजनीति सारी वो कर रहे हैं मतलब तो नाम के मन न रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए वाली बात मन न फिराए जोगी मन का फिराए फिराना मन था फिराता मन का है बस हाथ में मन का घूमता रहता माला घूमती रहती मन दुनिया में घूमता रहता और माला भी दुनिया को दिखा दिखा के करता है कि देखो हम माला कर रहे हैं इसलिए मन से आसक्ति ज्यादा मुश्किल है शरीर से तो आम दुनियादार लोगों को भी ज़्यादा बूढ़े हो जाए क्या बोलते हैं बूढ़े भगवान कब बुलाओगे भगवान ने तो कहीं से भेजा नहीं है तुमको भगवान का ऊपर आसमान पे कोई घर नहीं है और तुम्हारी जो करतूतें हैं सारी जिंदगी की उसके बाद भगवान तो अपने घर अगर अगर कोई है भी तो वो दरवाज़ा ना खोले तुमको मतलब और ये सब चाहते भगवान ने जो मरे कहते भगवान ने बुला लिए वो एक घर में दादा मर गए सब रो रहे थे बच्चों को बाहर कर दिया दो दिन बाद बच्चे घर आए पूछे दादा तो दादी रोते रोते कहती बेटा वो तो राम जी को प्यारे हो गए कहते अच्छा दादी तू कब प्यारी होगी तो वो झापड़ मारती अपने पोते को है ऐसे नहीं बोलते बोले क्यों प्यारा होना तो अच्छा है तू मुझे बोलती ही ना तो मेरा प्यारा पोता है तो अच्छी बात है तो दादा अगर राम जी को प्यारे हो गए तो क्या गलत कर दिया क्या गलत बोला उसने लेकिन मन से अपने अलगाव को समझना थोड़ा टेढ़ा है